शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाइट क्लब में हुई अंधाधुंध फायरिंग में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 18 राउंड फायरिंग की इस वारदात को बयां करते हुए पुलिस ने इसे राजस्थान हिस्ट्री की सबसे बड़ी फायरिंग बताया था। वहीं दूसरी ओर इस फायरिंग की जिम्मेदारी राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम बन चुकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जाहिर सी बात है, इस वारदात के बाद से ही राजस्थान पुलिस की किरकिरी शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस फौरन बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जयपुर के जवाहर सर्किल पर मौजूद जी क्लब के बाहर शनिवार रात 12 बजे हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई थी। गोलीबारी की इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बाकायदा इसके लिए लॉरेंस गैंग के बॉक्सर ऋतिक और अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, जिसमें लिखा था सबका नंबर आएगा। इस पोस्ट के बाद जयपुर पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को सर्च करना शुरू कर दिया है, साथ ही उसके ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। इसी बीच 30 जनवरी की देर शाम जयपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर जयप्रकाश, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा, ऋषभ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना जवाहर सर्कल जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल्स शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और SOG, ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सुपुर्द किया जाएगा। बहरहाल पुलिस के सामने आया कि फायरिंग की यह वारदात रंगदारी को लेकर हुई थी, जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने जी क्लब के होटल के मालिक अक्षय गुरनानी से करीब 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी ना देने पर लॉरेंस गैंग के शूटरों ने होटल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।